नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो हम आज ज़ीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर कैसे काम करता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सिंपली आपको गूगल पे आना है, आते ही आपको यहाँ पे लिखना है ज़ीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर। स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ज़ीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे क्लिक करना है आपको। ज़ीरोधा का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे वो मार्जिन कैलकुलेटर के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे रेक्टेंगल के अंदर FNO मार्जिन कैलकुलेटर बाय ज़ीरोधा। ठीक है, तो उसको क्लिक करना है आपको। एक बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो FNO का मार्जिन कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। देख सकते हो ये पेज ओपन हो चुका है उनका। तो जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे पांच अलग अलग सेगमेंट मिल जाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इक्विटी फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी एंड इक्विटी। तो सबसे पहले इक्विटी के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं जो इंट्राडे करते हैं इक्विटी में, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इक्विटी के ऊपर क्लिक करूंगा। तो देख सकते हैं, जैसे कि इक्विटी को मैंने क्लिक किया तो इक्विटी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे हमें नीचे मिल रही है। तो हम फिलहाल एक्सिस बैंक के बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च टॉगल में लिख देता हूँ एक्सिस बैंक। जैसे एक्सिस बैंक लिखा तो एक्सिस बैंक का कॉन्ट्रैक्ट खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे आपको दो सेगमेंट मिलेंगे, जैसे कि MIS एंड कवर ऑर्डर। फिलहाल ब्रैकेट ऑर्डर बंद है क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ही बढ़ चुकी है। तो ज़ीरोधा वालों ने अभी ब्रैकेट ऑर्डर को कैंसिल किया है, तो आपको ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि वो काम नहीं कर रहे। फिलहाल कवर ऑर्डर और MIS ऑर्डर, मतलब जिसको बोला जाता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर, ये दो ही ऑर्डर चल रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे एक्सिस बैंक लिखा हुआ है, MIS है और कवर ऑर्डर है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे MIS के बारे में। तो MIS में मार्जिन और लीवरेज लिखा हुआ है ना नीचे, मार्जिन प्रतिशत में होता है और लीवरेज इंटू होता है। तो मार्जिन मतलब आपको मिनिमम आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए किसके लिए, मतलब यहाँ पे उसके सामने लिखा है 5% लीवरेज पाने के लिए। मतलब अगर आपको 5% लीवरेज चाहिए तो आपके पास 20% मार्जिन होना चाहिए। एग्जांपल के थ्रू तो आपको समझाऊंगा, कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपया है, तो आपको अगर 5% तो इंटू 5 करना है, तो जैसे इंटू 5 कर दोगे 500 रुपीज हो चुका है। तो ब्रोकर आपको 500 रुपए तब भी देगा जब आपके पास मिनिमम 100 रुपीज होगा। ठीक है, ये होता है MIS ऑर्डर के अंदर। तो कवर ऑर्डर के अंदर देख सकते हैं लीवरेज थोड़ा ज्यादा है, 8% है, मतलब 8% है। तो 100 इंटू आपको सिंपली 8 करना है तो आपको 800 मिल जाएगा। मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपीज है, तो कवर ऑर्डर में आपको 8% मिल जाएगा और MIS में आपको 5% मिल जाएगा। अगर 100 रुपए के अंदर एक्सिस बैंक का प्राइस अभी चल रहा है, मान लेते हैं कि 10 रुपए चल रहा है, 10 रुपए तो नहीं चल रहा है, मान लेते 10 रुपए चल रहा है, तो 100 शेयर की प्राइस 10 रुपए है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं तो आपको 10 शेयर्स मिल जाएंगे 100 के अंदर। लेकिन अगर आप वही लीवरेज का इस्तेमाल करते हो तो 500 के अंदर, मतलब MIS के ऑर्डर के अंदर आपको मिल जाएगा लगभग, अभी आपको पहले 10 मिलते थे, अभी 50 मिल जाएंगे। तो इसी मल्टीपल के ऊपर आपको शेयर्स मिलते जाएंगे। ये हो गए MIS और कवर ऑर्डर के बारे में। तो अभी हम देखेंगे इक्विटी फ्यूचर्स के बारे में। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे इक्विटी फ्यूचर्स पे क्लिक करता हूँ, तो उसके साथ ही यहाँ पे आपको 3-3 नोटिस मिल जाएंगे नीचे, सिक्योरिटीज अंडर बैन, मतलब कौन कौन से सिक्योरिटीज बैन में है ये आपको जानकारी मिल जाएगी। आप पे पढ़ सकते हो, ग्लेन है, ग्लेनमार्क है। उसी के साथ बैंक निफ्टी के कौन से स्ट्राइक प्राइस अलाउड है, जो मतलब CA और PA में काम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, उनके लिए यूजफुल है। वैसे निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। तो नीचे चले आते हैं, यहाँ पे आपको सर्च फॉर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको पता होगा इक्विटी, जो कि इक्विटी का फ्यूचर्स होता है, जो शेयर्स फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं, उनके 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले करंट मंथ होता है, उसके आगे का मंथ और नेक्स्ट मंथ होता है। 3 मंथ में कॉन्ट्रैक्ट चलता है। जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है, तो देख सकते हो ACC का जुलाई है, अगस्त है और सितंबर है। ठीक है, तो देख सकते हो जुलाई है, अगस्त है और सितंबर है। ओके, तो जैसे कि हमने एक्सिस बैंक के बारे में पहले पढ़ा था, तो अभी एक्सिस बैंक के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्च टॉगल के अंदर मैं लिख देता हूँ एक्सिस बैंक। तो जैसे AXI डालते हो, मतलब एक्सिस का छोटा ही नाम डालते हो, तो एक्सिस बैंक के तीनों कॉन्ट्रैक्ट खुल के आ जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे तीनों कॉन्ट्रैक्ट खुल चुके हैं, ये जुलाई का है, ये अगस्त का है और ये सितंबर का है। उसी के साथ NRML मार्जिन मतलब नॉर्मल मार्जिन, जो कि आपको चाहिए पोजिशन ओवरनाइट कैरी करने के लिए, मतलब आज से कल से कल, मतलब ओवर डे ओवर नाइट पोजिशन कैरी करने के लिए जितना भी मार्जिन लगता है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखा है। तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको चाहिए 2,06,000। उसी के साथ साथ आपको अगर अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो उसी के लिए भी आपको 2,06,000 चाहिए। इधर उधर 500 या 600 रुपए का डिफरेंस होता है दोस्तों। और जैसे कि सितंबर के लिए देख सकते हो 2,07,000 रुपए का आपको चाहिए यहाँ पे मार्जिन, NRML मार्जिन।
अगर इसी पोजीशन को आप इंट्राडे के लिए करते हो, इंट्राडे के लिए कितना चाहिए मार्जिन ये देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आपको सिंपली जाना है ऊपर फिर से, तो यहाँ पे FNO लिखा हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे कि उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो फ्यूचर में ऑप्शन का कैलकुलेटर यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो एक्सचेंज में NFO रखते हैं फ्यूचर में ऑप्शन का, तो कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सिंबल लिखना है तो फिर से एक्सिस बैंक का देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक के तीनों कॉन्ट्रैक्ट खुल के आ चुके हैं, तो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट सेट करते हैं। तो नीचे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे आपको जो लॉट साइज है बाय डिफॉल्ट मिलेगा, जो भी करंट चल रहा है वो लॉट साइज मिलता है आपको, ठीक है। उसके नीचे आपको यहाँ पे दो टैब दिख चुके हैं, बाय एंड सेल, आपको बाय करना है या सेल करना है पूछ रहा है। तो फिलहाल मैं बाय के लिए चेक करता हूँ कितना मार्जिन या लिवरेज वो देते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो बाय पे क्लिक कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो जैसे कि आप राइट साइड में देख रहे हो यहाँ पे कंबाइंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स दिखा रहा है, टोटल मार्जिन मतलब आपको ये पोजीशन ओवरनाइट कैरी करनी है तो लगभग दिखा रहा है कि 2 लाख के आसपास चाहिए। अगर इंट्राडे के लिए चाहिए, देख सकते हो यहाँ पे इंट्राडे के लिए चाहिए तो लगभग 18,000 के आसपास आपके पास कैपिटल होना चाहिए, तो भी आप इसको इंट्राडे में ले सकते हो। इंट्राडे का टाइमिंग आपको पता है, सुबह 9:15 से लेके 3:30 के बीच में होता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, सिंपली सिंबल डालना है, उसका नाम डालना है और बाय करना है या सेल करना है यहाँ पे लिखना है, और ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपको रीसेट करना है, तो आप नेक्स्ट के लिए चेक कर सकते हो। तो हमने पढ़ा यहाँ पे इक्विटी के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसी के साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे फ्यूचर का देखा, ऑप्शन का कैसे कैलकुलेट होता है, क्या उसके लिए करना चाहिए, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि ये FNO का मार्जिन कैलकुलेटर है, वैसे ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी आता है ज़ीरोधा का, उसके बारे में अलग से वीडियो बना रहा हूँ मैं, जल्दी मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने आज पढ़ा इक्विटी में क्या चाहिए, लिवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, MIS ऑर्डर कैसे मतलब MIS ऑर्डर के लिए कितना मार्जिन चाहिए, लिवरेज कैसे प्रोवाइड किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में कवर की। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Thank you.